आपने लाल मिर्च का अचार तो बहुत खाया होगा, क्या आपने लाल मिर्च की सब्जी खाई है? नहीं खाई तो चलिए बनाते हैं। ये लाल मिर्च लिए, इसका डंठल हटा देते हैं, इस तरह से लगाया कट, इस तरह से प्रिक करना है इसको। ये है 2 इंच अदरक का टुकड़ा, उबले हुए आलू, इनको हाथों से ही क्रश कर लेंगे हम। 2 बड़े चम्मच तेल के सौंफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जीरा, साबुत धनिया, काली मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सौते करेंगे यहाँ पे, मैं हींग का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, कसूरी मेथी, सारी अदरक, हल्का सा भूनना है। जो आलू हमने क्रश करके रखे थे, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा सफेद नमक, काला नमक का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले तो अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, गरम मसाला, ढेर सारा धनिया कर लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। तो इसमें स्टफिंग डाल देते हैं हम, ऑयल डालेंगे एक, पहले हमको मिर्ची को पकाना है। मैं नमक ऐड कर रहा हूँ, टर्न करते हुए पका रहा हूँ इनको, और कवर कर दीजिए। अमचूर का पाउडर, ये गई हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इनको कोट करना है अच्छी तरह से इस तरह से, और सर्व करते हैं रोटी के साथ में। भाई इस मिर्च का स्वाद एक बार लेके जरूर देखना, ऑडी का यूनी रैप, इसको आप इस तरह से रोल बना के टिफिन में रख सकते हैं, एंजॉय। रोजाना अगर वही भिंडी खा करके बोर हो चुके हो ना, तो इस बार भिंडी की ये रेसिपी ट्राई करिए, हर बारी ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पर भिंडी को काट लिया है, प्याज की पैटस अलग कर ली है, आलू काट लिया है, आधा आम काट लिया है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, साथ ही में हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और काला नमक, थोड़ा सा हरा धनिया, पानी डाल करके इसका घोल तैयार कर लेंगे। अब रखेंगे कढ़ाई, इसमें तेल डालेंगे और आलू डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे, साथ ही में प्याज की पैटल्स डालेंगे, इनको हल्का सा भूनेंगे, हींग डालेंगे और भिंडी डाल करके बढ़िया से फ्राई कर लेंगे, इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। वापस से तेल डालेंगे, अजवाइन, जीरा, साबुत धनिया डालेंगे, ढेर सारा लहसुन डालेंगे, फ्राई करेंगे, 1 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे, प्याज डालेंगे, मसाला डालेंगे, आम डाल देंगे, अच्छे से भून लेंगे। जब मसाला भून जाएगा तो भिंडी वगैरह डाल करके, साथ ही में टमाटर के बड़े बड़े टुकड़े करके इस तरह से डालेंगे और ढक करके पकाएंगे। लीजिए तैयार है भिंडी आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी।